द ट्रीज जो घर से बाहर निकलना चाहते हैं और ये ट्रीज फ्री होना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द ट्रीज बाय एड्रिन रिच। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। The poem The Trees talks about the trees leaving a house and moving into an empty forest. So ये कविता The Trees इसमें घर छोड़ने के बारे में और ये ट्री एक empty forest में जाकर रहने के बारे में बात किया जाता है। The poet describes how the trees walk all night to leave and how the night feels fresh and full of change. So poet describe करते हैं कि trees जो है ये रात में किस तरीके से काम करते हैं यहाँ घर से निकल के एक नया forest में जाने के लिए, और साथ ही साथ night भी कैसा एक तरीके से fresh महसूस करते हैं, एक तरीके से full of change को महसूस करते हैं night भी। The poem ends with the trees finally breaking free and moving into the night, bringing life to the once empty forest. Poem खत्म होते हैं जब trees अपने आप को break free करवाते हैं, अपने आप को free करवाते हैं, और ये trees night में चलकर जाते हैं और उस empty forest में एक तरीके से एक जान डालते हैं। In simple terms, the poem is about the trees leaving the house and bringing life to the forest. Simple भाषा में बताऊँ तो ये poem जो है trees जो घर छोड़ना चाहते हैं इसके बारे में है, और forest में जाकर वहाँ पर एक जान डालना चाहते हैं, एक जान लाना चाहते हैं forest में। और in other words, ये poem जो है एक तरीके से trees का यहाँ पर women को बताया गया है। Trees नहीं है, इसका एक हम figurative meaning देखे तो women के साथ compare किया गया है। So I hope ये छोटा सा central idea आप लोगों को समझ में आएगा। Thank you so much for watching. Comment करना ना भूलिए कैसा लग रहा है। एंड इफ यू वांट टू सी द नेक्स्ट वीडियो यू कैन वॉच दिस वीडियो।